नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का हमारा वीडियो है क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में, जिसे हिंदी में धूमिल तेंदुआ कहते हैं। इसके और भी नाम हैं, जैसे मिंट लेपर्ड, ट्री टाइगर, मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड, बादल वाला तेंदुआ या खेपक। इसके बहुत सारे नाम हैं। क्लाउडेड लेपर्ड का नाम इसके चित्तीदार फर के कारण रखा गया है, जो कि बादलों के विभिन्न आकारों जैसा दिखता है। इस जानवर को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में लिस्टेड किया गया है। ये फेलिडाए फैमिली से रिलेटेड है और मेघालय का स्टेट एनिमल है। और इसका वेट 50 पाउंड तक होता है और इसका लाइफ स्पैन 11 टू 17 ईयर्स तक है। और यह बिल्ली की सबसे प्राचीन प्रजाति है, जिसमें हाइपोइड हड्डी होती है, जिससे कि यह म्याऊं की आवाज़ को निकाल पाता है। और क्लाउडेड लेपर्ड दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावन और रेन फॉरेस्ट और सूखे जंगलों में रहते हैं। इनकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो नियोफेलिस नेबुलेसा दक्षिण पूर्व एशिया और नियोफेलिस डायर्डी जो कि बोर्नियो में पाई जाती है। और इनके एंकल के जोड़ बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और घूम सकते हैं। और ये इसकी स्कल को आप देख सकते हैं। और क्लाउडेड लेपर्ड ये एक जू में, और इन एंकल्स की वजह से ये गिलहरियों की तरह पेड़ से आसानी से उतर पाते हैं। और ये इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और ये बिल्लियां सबसे ज़्यादा पेड़ों पर रहने वाली हैं और अपनी पूंछ से बैलेंस बनाते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ये जंप भी करती रहती हैं। और इनकी पूंछ की लंबाई 65 सेंटीमीटर तक होती है और इनके जो कैनाइन टीथ होते हैं वो 4 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेपाल, बांग्लादेश, पूर्वी भारत, सुमात्रा, बोर्नियो, दक्षिणी चीन और ताइवान तक के इलाके में पाए जाते हैं। और ये आप एक जू में क्लाउडेड लेपर्ड्स को देख सकते हैं। और इनकी आबादी काफ़ी कम है और इनके खाने में हिरण, बंदर, गिलहरी, सुअर और छोटे पक्षी जैसे सभी शिकार शामिल हैं। और इसका पॉपुलेशन साइज करीब 10,000 से कम है अभी जो जानवर मौजूद हैं। और इनका लाइफ स्पैन 11 से 17 साल का होता है। और ये शिकार पर नहीं निकलते हैं, बल्कि जो भी शिकार इनको आसपास दिख जाता है उसको ही खा लेते हैं। और ये कैट्स बहुत ही सीक्रेटिव और मिस्टीरियस मानी जाती हैं। इनका वेट 11.5 टू 23 केजी तक होता है और हाइट 50 से 55 सेंटीमीटर तक होती है। और भारत में ये मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, अरुणाचल, सिक्किम आदि में पाए जाते हैं। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क असम और फोंगपुई नेशनल पार्क मिजोरम में भी पाए जाते हैं। और इनके लिए कुछ खतरे भी हैं, जैसे कि इनका घर का खोना, आवास का नुकसान, अवैध शिकार और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, इस सब से भी इनके अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो गया है। भारत में मिजोरम के डंपा क्षेत्र में क्लाउडेड लेपर्ड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है और सबसे ज़्यादा वहीं पर पाए जाते हैं। और यह क्षेत्र तेंदुए के विकास के लिए अनुकूल है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम इलाका है और यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है। और 2018 में भारत ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए रिगेन करने के अपना जो कार्यक्रम है उसमें क्लाउडेड लेपर्ड को शामिल किया था। मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में इनकी जो डेंसिटी है वो 5.14 है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। असम का मालीगांव एक ऐसा ही स्थान है जहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड द्वारा लोगों पर हमला करने के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। इसके अलावा गुवाहाटी शहर और उसके आसपास 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जहां पर वन भूमि पर मानव एनक्रोचमेंट के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। और बढ़ती मानव आबादी के कारण यह लगभग निश्चित है कि मनुष्य जो है एनिमल्स के प्राकृतिक आवासों का एनक्रोचमेंट करेंगे और इससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि एनिमल्स के हैबिटेट और उनके जीवन को प्रभावित करता है। सन 2021 तक इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन लगभग 3700 से 5580 तक है। और हम क्लाउडेड लेपर्ड को दुनिया की सबसे छोटी बिग कैट के रूप में जानते हैं। फ्रेंड्स, वियतनाम, बांग्लादेश और चीन में यह प्रजाति विलुप्त होने के करीब है। यह दिन में पेड़ों पर आराम करने वाले जीव हैं और रात में जंगल में शिकार करते हैं। और ये फिलाडेल्फिया जू का एक सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। और ये सिंगापुर, ताइवान में और हेनान द्वीप और वियतनाम में लगभग विलुप्त हो गए हैं।
और इसके पैर छोटे और मजबूत होते हैं और पंजे चौड़े होते हैं और फीमेल्स मेल से थोड़ा छोटी होती हैं और ये थाईलैंड जू का एक दृश्य आप देख सकते हैं। कूदने और छलांग लगाने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसके पिछले अंग आगे के अंगों की तुलना में लंबे होते हैं। फीमेल्स की लेंथ 68 से 94 सेंटीमीटर तक होती है और उनकी टेल 61 से 82 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, जबकि मेल 81 से 108 सेंटीमीटर तक होते हैं और उनकी टेल 74 से 91 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और आप वीडियो में क्लाउडेड लेपर्ड के बच्चे को देख सकते हैं और इसके शोल्डर तक की जो ऊंचाई होती है वो 50 से 55 सेंटीमीटर तक होती है। और ये नेपाल, भूटान, भारत में हिमालय की तलहटी से लेकर म्यांमार, दक्षिण पूर्व बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया और चीन में यांगत्ज़ी नदी के दक्षिण तक पाए जाते हैं। भारत में सिक्किम, उत्तर पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के जंगलों में पाए जाते हैं। और ये कैट्स की सभी प्रजातियों में पहाड़ों पर चढ़ने में सबसे ज़्यादा परफेक्ट होते हैं और ये आसानी से 1.2 मीटर तक की ऊंचाई की छलांग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, टाइगर्स की तरह ये भी यूरिन मार्किंग से ही अपना एरिया मार्क करते हैं, अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। और इनकी साउंड्स में एक छोटी सी ऊंची आवाज वाली म्याऊ की आवाज और एक जोर से रोने वाली आवाज भी शामिल है। और जब ये आक्रामक होते हैं तो धीमी आवाज में गुर्राते हैं और खुले दांतों और झुर्रियों वाली नाक के साथ तेजी के साथ फुफकारने जैसी आवाज निकालते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड्स का मेटिंग पीरियड दिसंबर और मार्च के बीच होता है। करीब 93 डेज की प्रेगनेंसी के बाद फीमेल 1 से 5 बच्चों को जन्म देती है। इनके बच्चे बंद आंखों के साथ पैदा होते हैं और उनका वजन 140 से 280 ग्राम तक होता है। इनकी आंखें करीब 10 दिन बाद खुलती हैं और वे 5 सप्ताह के भीतर ही एक्टिव भी हो जाते हैं और लगभग 3 महीने की उम्र में ये पूरी तरह से माँ का दूध छोड़ देते हैं और लगभग 6 महीने में ये एडल्ट जैसा पैटर्न प्राप्त कर लेते हैं और लगभग 10 महीने बाद ये स्वतंत्र हो जाते हैं। और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और वन्यजीव व्यापार के लिए कॉमर्शियल अवैध शिकार के बाद उनके निवास स्थान को बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है। नेपाल में नवंबर 1988 और मार्च 2020 के बीच देश के 9 जिलों में क्लाउडेड लेपर्ड के शरीर के अंगों के 27 मामले पाए गए। जो कि कम से कम 51 व्यक्तिगत क्लाउडेड लेपर्ड से रिलेटेड थे और इनमें 17 मामलों में शिकारियों और व्यापारियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो फ्रेंड्स, हम सभी को वन्य जीवों को बचाने के प्रयास का समर्थन करना चाहिए और कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जानवरों की खाल एवं अन्य अंगों से बने कपड़े, सजावटी सामान को ना कह दें, क्योंकि ये धरती उनका भी घर है और उन्हें भी जीने का हक है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार।